हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यारे चैनल पर, बायोलॉजी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम बात करें इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो कि निकाला है कोचिन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी में। तो यहाँ पे देखिए, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की रेगुलर वैकेंसीज को निकाला गया। तो आप जो है ये देख सकते हैं कि कोची यूनिवर्सिटी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको जो वेबसाइट है वो आपको ये यूज़ करनी पड़ेगी, faculty.cusat.ac.in। तो जैसे ही आप इस वेबसाइट पे क्लिक करेंगे या वेबसाइट को आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको ये जो इस टाइप का इंटरफेस जो है वो देखने को मिलेगा। आप देखिए, यहाँ पे जो वैकेंसीज है यहाँ पे रेगुलर वैकेंसीज को निकाला गया है। प्रोफेसर की वैकेंसी है, चाहे आप देख सकते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ओशनोग्राफी, पॉलीमर साइंस एंड रबर टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये देखिए आप यहाँ पे वैकेंसीज को निकाला गया और ये भी बताया गया कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में कौन कौन सी वैकेंसीज हैं कौन से सब्जेक्ट की। साथ ही इन्होंने देखिए लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन की भी या मेंशन कर रखा है जो कि 18 जनवरी है प्रोफेसर के लिए, और जो लास्ट डेट है हार्ड कॉपी सबमिट करने की या पहुंचने की वो है 25 जनवरी 2021। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है सारी डेट जो क्लियरली मेंशन कर रखी है। वहीं दूसरी जो पोस्ट है वो एसोसिएट प्रोफेसर, ये भी रेगुलर पोस्ट है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट मेंशन कर रखा है, फिजिक्स, सेफ टेक्नोलॉजी, स्कूल ऑफ फोटोनिक्स, लीगल स्टडीज, मैराइन जियोलॉजी एंड जियो फिजिक्स। इसकी भी जो है डेट ऑलमोस्ट सेम है, जो भी डेट प्रोफेसर के लिए वही डेट यहाँ पर भी मेंशन कर रखी है। इसके बाद आप देखते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की जो रेगुलर पोस्ट है वो आप देख सकते हैं यहाँ, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल ओशनोग्राफी, इलेक्ट्रॉनिक्स, हिंदी, मैराइन जियोलॉजी और जियो फिजिक्स। तो ये जो है यहाँ पे इसकी जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो डिफरेंट डिपार्टमेंट पोस्ट वो भी यहाँ मेंशन कर रखा है, और जो लास्ट डेट है वो 18 जनवरी, और जो लास्ट डेट हार्ड कॉपी सबमिशन की वो 25 जनवरी यहाँ पे मेंशन कर रखी है। इसके अलावा कुछ पोस्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट्स हैं, यानी कि लाइक इरेगुलर पोस्ट है या जो है टेम्परेरी पोस्ट है, वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड स्टडी, डिपार्टमेंट केमिकल ओशनोग्राफी। तो यहाँ पर भी जो है यहाँ पे देखिए कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट भी यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो अगर आप इनमें से किसी फील्ड में जो है अप्लाई करना चाहते हैं और आप उसके लिए अगर एलिजिबल है तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो हम देख लेते हैं इसका नोटिफिकेशन। तो नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं, ये जो है नोटिफिकेशन है कोची यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, और ये जो नोटिफिकेशन री नोटिफिकेशन है यानी कि दोबारा इस नोटिफिकेशन को लाइक इंप्रूव करके निकाला गया है। और ये जो नोटिफिकेशन आया ये 11 दिसंबर को यहाँ पे आ गया था। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या मेंशन कर रखा है। असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी का हम देखें तो 6 वैकेंसी यहाँ मेंशन कर रखा है, और जो एकेडमिक लेवल है वो 10 रहेगा, और जो ग्रेड पे रहेगा वो आपका रहेगा 15,600 to 39,100 का। ठीक है, तो आप यहाँ पे ग्रेड पे भी देख सकते हैं और कितनी वैकेंसीज है वो भी देख सकते हैं, और किस डिपार्टमेंट कितनी वैकेंसीज को निकाला गया ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है, इलेक्ट्रॉनिक्स में 1 है, केमिकल ओशनोग्राफी में 1 ओपन है, 1 LC-AI है, इलेक्ट्रॉनिक्स में 1 है, हिंदी में 1 है, और मैराइन जियोलॉजी एंड जियो फिजिक्स में 1 है। तो यहाँ पे देखिए रिजर्वेशन भी उन्होंने मेंशन कर रखा है कि मुस्लिम्स के लिए हिंदी में है, ऐसे करके आप देख सकते हो जो ओपन कैटेगरी में है वो केमिकल ओशनोग्राफी में, वहीं SC-ST कैटेगरी में बायोटेक्नोलॉजी में 1 वैकेंसीज को निकाला गया है। वहीं एसोसिएट प्रोफेसर में भी सेम है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 13 वैकेंसीज को निकाला गया है। एकेडमिक लेवल आपको जो यहाँ पर रहेगा 13A रहेगा, और ग्रेड पे आपका रहेगा 37,400 to 67,000। और आप यहाँ देख सकते हैं कि अप्लाइड इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रॉनिक, लीगल स्टडीज़ के लिए वैकेंसीज को निकाला गया है, और उसके सामने जितनी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो भी यहाँ पे क्लियरली जो है मेंशन कर रखी है। इसके अलावा आप यहां देख सकते हैं कि जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन आपको पहुंचने की यूनिवर्सिटी में वो आपका 25 जनवरी 2021 तक जो है आपका जो एप्लीकेशन है वो यूनिवर्सिटी में पहुंच जाना चाहिए, और एड्रेस हमें मेंशन कर रखा है रजिस्ट्रार कोची यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोची बिफोर 5 PM। तो लास्ट डेट जो है हार्ड कॉपी सबमिट करने की वो 25 जनवरी यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखी है। ठीक है, इसके अलावा और भी आप पोस्ट देख सकते हैं फोटोनिक्स में, फिजिक्स, सेफ टेक्नोलॉजी में। तो ऐसे करके आप जिस भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं या आप जो भी मास्टर है जिस भी पोस्ट में स्पेशलाइजेशन है तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है अपना एप्लीकेशन जो है वो फिलअप कर सकते हैं। भाई देखिए, प्रोफेसर की 6 वैकेंसीज को निकाला गया है, यहाँ पे जो ग्रेड पे वो 37,400 to 67,000 है, और यहाँ पे देख लीजिए अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड इकोनॉमिक्स और फिजिकल ओशनोग्राफी के लिए वैकेंसीज को निकाला गया है। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए जो आपका रिजर्वेशन है वो भी यहाँ पे मेंशन किया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये री नोटिफिकेशन निकाला गया है कुछ इम्प्रूवमेंट करने के साथ।
इसके अलावा आपको यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन शीट देखने को मिलेगी, जैसे एज जो आपके वो कैलकुलेट होगी 1 जनवरी 2020 तक। तो आपका यहाँ पे जो मैक्सिमम एज है 40 ईयर्स है, और जो मिनिमम एज रहेगी वो आपका 21 ईयर्स रहेगी। वहीं अगर SC ST से आप बिलोंग करते तो आपको यहाँ पे 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। वहीं अगर OBC कैटेगरी से आप बिलोंग करते तो आपको यहाँ पे 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप PWD यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज से अगर आप बिलोंग करते तो आपको यहाँ पे 10 ईयर्स का जो है रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसके अलावा कुछ और कंडीशन आप मेंशन कर रखी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपका जो जो शॉर्टलिस्ट होगा कैंडिडेट का, इट विल बी टोटली ऑन अ कैंडिडेट ईयर एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। इसके अलावा जो है आप जो अप्लाई कैसे कर सकते हैं वो भी यहाँ मेंशन कर रखा कि आप सुसेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं या faculty.suset.ac.in पर जाके जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आप फिलअप कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए लास्ट डेट जो फिल करने की, अप्लाई ऑनलाइन करने की, वो 18 जनवरी जो मैंने आपके साथ ऑलरेडी जो है वो डिस्कस कर रखा है, ठीक है। इसके अलावा आपको जो है रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करेंगे, अगर आप एप्लीकेशन फ़ी नहीं पे करेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन वही इनकम्प्लीट रहेगा। और जो अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, EW सर्टिफिकेट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC ST से, तो उसका जो है आपको यहाँ पे प्रूफ देना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। यदि अगर आप मुस्लिम है तो उसके लिए आपको जो कम्युनिटी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। और प्रूफ एज को प्रूव करने के लिए आपको जो है कोई भी अपना 10th का मार्कशीट या 12th का मार्कशीट यहाँ पे लगाना पड़ेगा। उसके बाद आपको अपना टोटल जो है एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने के साथ साथ अपने डॉक्यूमेंट्स या जो पब्लिकेशन है और जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो सारा जो है आपको अपने एप्लीकेशन के साथ सेंड करना है रजिस्ट्रार कोची यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कोची 682022, यहाँ पे आपको सेंड कर देना है बिफोर 25 जनवरी, ठीक है। इसके बाद अब हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन फ़ी की। तो अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे 2000 का जो है एप्लीकेशन फ़ी देना होगा। वहीं अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे 500 का एप्लीकेशन फ़ी देना पड़ेगा। वहीं अगर आप एब्रॉड से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको $100 जो है वो पे करने पड़ेंगे। वहीं अगर बाकी एसोसिएट प्रोफेसर की, तो यहाँ पे आपको 3000 जनरल कैटेगरी के लिए, और SC ST कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आपको 750, और अगर आप एब्रॉड से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर $200 जो है वो पे करने पड़ेंगे। अगर आप प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 4000 रुपीज़ फॉर जनरल कैटेगरी, 1000 फॉर SC ST कैटेगरी, एंड इफ़ यू आर अप्लाइंग फ्रॉम द अब्रॉड देन यू हैव टू पे $300। इसके अलावा अगर आप PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे कोई भी रजिस्ट्रेशन फ़ी जो है वो पे नहीं करती, यानी कि आपके लिए निल रजिस्ट्रेशन फ़ी रहेगी। अब मोड ऑफ रेमिटियस कैसे हो सकता है, तो यहाँ पे देखिए NEFT और RTGS के थ्रू जो है आप अपना एप्लीकेशन फ़ी पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे अकाउंट नंबर, अकाउंट है, बैंक नेम, नेम ऑफ अकाउंट होल्डर और IFSC कोड भी यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ठीक है। इसके अलावा जो है आप यहाँ पे फिर से वैकेंसी जो है देख सकते हैं स्क्रॉल डाउन करने पे, जैसा ऑलरेडी मैंने आपको बताया, और साथ ही एलिजिबिलिटी और मेंशन में कर रखा है। तो देखिए यहाँ पे आपका MSc होना चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट में, और साथ ही साथ आपका नेट होना चाहिए क्लियर, UGC CSI नेट या आपका स्लेट या सेट होना चाहिए। तो ये दोनों जो मैंडेटरी हैं। वहीं अगर आप PhD आपने 2009 से पहले रजिस्टर किया है तो आपका जो है PhD रेगुलर मोड में होना चाहिए। आपके PhD थीसिस को एटलीस्ट 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर ने इवेल्युएट करा होना चाहिए। आपका जो PhD वाइवा वाइस वो ओपन होना चाहिए, और आपका एटलीस्ट 2 पेपर्स होने चाहिए फ्रॉम योर PhD वर्क, और आपने जो है अपना जो है 2 पेपर्स कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट होना चाहिए फ्रॉम योर PhD वर्क। इसके अलावा अगर आपकी PhD डिग्री किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से, तो आपका जो यूनिवर्सिटी वो टॉप 500 में आना चाहिए, और जो रैंकिंग यूज़ की जाएगी इसके लिए वो है QS रैंकिंग, दा रैंकिंग और ARWU रैंकिंग। तो ये रैंकिंग अकॉर्डिंग अगर आपकी यूनिवर्सिटी जो है वो टॉप 500 में जो है लाई करती है तो आप इसके लिए जो है सीधे अप्लाई कर सकते हैं, तब आपको नेट की कोई भी जरूरत नहीं होगी, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है तुमने आपके साथ डिस्कस किए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलते मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।